हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने नया वीडियो लाया हूं। दोस्तों आज हमारे पास डिस्कवर 135 सीसी ओल्ड है और दोस्तों इसमें जो है कार्बोरेटर की प्रॉब्लम हो रही है। इसका कार्बोरेटर जो है ख़राब हो रहा है। उसमें कार्बोरेटर में डालने वाला हूं BS4 पल्सर का, तो उसमें डिफरेंस थोड़ा अलग है। उसमें चौक का भी सिस्टम अलग है, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले मैंने चेक कर लिया, फिट कर लिया, काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाला है। इसमें एवरेज भी काफ़ी अच्छा है, तो फटाफट करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो BS4 का कार्बोरेटर मैंने ये फिट कर दिया है। और सबसे पहले मैं अगर बात करूं तो जो हमारा पुराना कार्बोरेटर था, पुराना कार्बोरेटर ये है, ठीक है, पुराना कार्बोरेटर ये था, तो इसकी स्लाइड थोड़ी प्रॉब्लम कर रही थी। अंदर जो इसकी बटरफ्लाई है वो भी कटी है और मिसिंग काफ़ी कर रहा था, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने सोचा कि इसमें क्यों ना कि दूसरा कार्बोरेटर डाला जाए, देखते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट निकलेगा। तो इसमें काफ़ी अच्छा एवरेज निकला। इसका जो चोक का आप देख रहे हैं, ये जो चोक का स्क्रू होता है ये पूरा ख़राब हो चुका था। इसमें दोस्तों मैंने जब ये कार्बोरेटर फिट करा तो एवरेज काफ़ी अच्छा निकाला, इसने बहुत अच्छा एवरेज निकाला। ये जो आप कपलर देख रहे हैं, ये कपलर मैंने लगाया नहीं है क्योंकि ये वायरिंग से कनेक्ट रहता है, तो ये कपलर मैंने लगाया नहीं है। अब मैं दूसरी साइड लेके चलता हूँ आपको। दूसरी साइड मैंने जो इसका ऑटो चौक है, ऑटो चौक के लिए मैंने क्या किया है, तो दोस्तों यहाँ पर एक देख रहे हैं आप ऑटो चौक है, ठीक है, क्योंकि ये जो BS4 बाइक थी उसमें ऑटो चौक वायरिंग में कनेक्शन दिया जाता था तब ये काम करता था। और अभी जब मैंने इसको जब फिट किया था, सुबह दिक्कत होती थी स्टार्टिंग में, तो ये ऑटो चोक चालू करने के लिए मैंने क्या किया है दोस्तों, ये कपलर देख रहे हैं आप, ये वाला कपलर, जो ये ब्लैक वायर है, इस कपलर से जो ये जो आया ये कपलर, ठीक है, जो ऑटो चोक का जो कपलर है ये ब्लैक वायर देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक वायर है, ठीक है, ये जो है अर्थ है, ये जो तार है मैंने ये वाली आप देख रहे हैं, इस वाले कपलर से तार ये मैंने यहाँ बैटरी में दी है, ठीक है, ये जो तार है ये मैंने बैटरी में दी है, ठीक है। अभी मैं इसमें कपलर लगाने वाला हूँ, जो कपलर मैं अगर दूसरा लगाऊंगा तो इस तरीके से लगाऊंगा, और वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने फिट किया है। ये जो तार है इसको मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है, जैसे आप दोस्तों देख रहे हैं मैंने कपलर लगा दिया है। ये जो अर्थ वाला तार है, ठीक है, यहाँ पर मैं टेप लगाऊंगा अभी। ये जो अर्थ वाला तार है मैंने यहाँ बैटरी में फिट कर दिया है ऑटो चौक के लिए, ठीक है, देखते हैं काम करेगा या नहीं करेगा। और जो ये वाली वायर आ रही है, ये जो है हमने क्या कराया, हमने ये हमने पहले स्विच फिट किया है दोस्तों, ये यहाँ पर मैंने स्विच फिट किया है, पहले मैंने ये यहाँ पर स्विच लगा दिया है इस तरीके से। तो वायर थोड़ी छोटी हो रही थी, स्विच मैंने यहाँ लगा दिया, और आप यहाँ भी लगा सकते हैं वायर लंबी करके, फ़िलहाल मैंने यहाँ दिया है। तो अभी जो ये इसमें से जो तार आई है, ये वाली जो इस स्विच में से तारें आई हैं, ठीक है, ये जो सुस्तर तार आई है ये वाली, ये काली और सफ़ेद जो सुस्तर तार आई है, तो वो तार जो है करंट की है, ठीक है, ठीक है, जो सुस्तर तार आई है यहाँ पर से, जो ये वाली तार जो स्विच आई है, ये वाला जो स्विच देख रहे हैं आप, तो ये स्विच जो है ये ब्लैक और वाइट तार है, जो कि मैंने ये जो ये वाला कपलर है, ये वाला चौक, ऑटो चौक वाला, तो मैंने इसमें फिट किया है, ठीक है, ये तार है, ये आप देख रहे हैं ये खुल चुका है अभी, ये तार है, और ये वाली जो तार है दूसरी अर्थ वाली, वो अर्थ में लगा दी है, जो इसमें से इस स्विच में से जो दूसरी तार आई है वो तार मैंने, ये मेन कपलर है दोस्तों, ये लॉक का जो मेन कपलर है जो ऑन ऑफ चाबी से होता है, ये एक तार मैंने उसकी जो ऑन ऑफ स्विच लगा रखा है मैंने, वो वाला एक वायर मैंने यहाँ लगाई है, ठीक है, इस वाले कलर में, जो आप ये वाला कलर देखते हैं वाइट के बगल में जो कलर है मैंने यहाँ पर लगा दिया। इसको मैं अच्छी तरह करने वाला हूँ, अभी फ़िलहाल मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ कि ये यहाँ पर मैंने ऐसे किया है। तो दोस्तों सारा कनेक्शन मैंने आपको बता दिया, अभी मैं चाबी ऑन करता हूँ, चाबी मैंने ऑन कर दी है, न्यूट्रल लाइट जल गई है, सेल्फ मारता हूँ। अभी हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी है, अभी मैं इसको बटन को ऑन करता हूँ, आप देख रहे हैं साउंड इसका बढ़ चुका है, और हमारा जो इंजेक्टर है, इंजेक्टर अच्छी तरह काम कर रहा है, ठीक है, ओवर रेस हो रही है गाड़ी, यहाँ पर ओवर रेस गाड़ी हो रही है। अभी मैं इस बटन को ऑफ करता हूँ, तो ये अच्छी तरह काम कर रहा है। आप अगर आपको कार्बोरेटर नहीं मिल रहा है इस गाड़ी का और आपको एवरेज चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप ये वाला कार्बोरेटर लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसने रिजल्ट निकाला है, और पिकअप भी काफ़ी अच्छी तरह आ रहा है, कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि मैंने एक दिन लगा कर चेक कर लिया है। लेकिन दिक्कत क्या हो रही दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा चौक की दिक्कत हो रही थी, सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है पहाड़ों में, तब मैंने ये करना पड़ा। अभी फिर मैं दोबारा चेक करता हूँ, ये देखो दोस्तों ये गाड़ी हमारी ओवर रेस हो गई,
अभी मैं बंद करता हूँ, ये डाउन हो गई। अभी मैंने चाबी बंद कर दी है गाड़ी की, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ और देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखो दोस्तों, अगर आप आवाज़ सुन पा रहे हो तो मैं चाबी ऑन करता हूँ। ये ऑन ऑफ में काम कर रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।